हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वांग सिंह भाटी और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वेंचर राइडर पर। अभी हम निकले हैं ओगेनाकोल वाटरफॉल के लिए। इस जगह की पूर्ण जानकारी का विवरण इस वीडियो में किया गया है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ओनली वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ये जगह बेंगलोर से 128 किलोमीटर दूर है, जो कि पेनाग्राम तमिलनाडु में पड़ता है, और इसका मेनली नाम तो ओगेनाकोल वाटरफॉल से ही जानते हैं लोग। ये वीकेंड दिनों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। बाय रोड कार बसेस वगैरह सुविधा अवेलेबल है, बाय रोड भी अच्छे से जा सकते हैं, रोड वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के रोड सीधे नहीं है, कर्व्स टर्न्स वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो तो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो के अंत तक। ज़्यादातर रोड्स पहाड़ों से ही गुजरते हैं और काफ़ी अच्छे रोड्स भी हैं, और चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। अभी हम कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चेक पोस्ट पर पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे एंट्री फीस लेते हैं हमारे से 20-25 रुपए पर व्हीकल, जो कि उनकी तरफ से एसोसिएशन के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है। रोड्स काफ़ी खाली हैं, क्योंकि ओनली टूरिस्ट लोगों के लिए ही बनाया गया, और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस दूसरी जगह से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इस वजह से ये रोड्स बहुत खाली रहते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं, थोड़ा ही दूर है। अभी देखिए जो नदी दिख रही है, ये कर्नाटका स्टेट में पड़ती है, इसका नाम कावेरी रिवर है। अभी हम लोग बोट बुक करके राइडिंग के लिए निकल गए हैं, जो कि इसमें 750 रुपये एक बोट का और 500 रुपये ड्राइवर की फ़ीस लेते हैं, जो कि 4 मेंबर को अलाउ करता है एक बोट में बैठने के लिए, और ये अपने को 45 से 60 मिनट्स तक पानी के अंदर राउंड लगवाएंगे, जो कि उसमें से एक 3-4 जगह की वाटरफॉल दिखाएंगे, प्लस कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, जहाँ से ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एंटर होती है, वहाँ का व्यू भी अपने को दिखाएंगे, और वो टोटल जर्नी 45 से 60 मिनट्स तक में पूरी होती है। जो कि देखिए अंकल काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पानी में थोड़ा चलाना डिफ़िकल्ट होता है। हम दो मेंबर्स आए हैं, ये मेरे भाई हैं और मैं, जो कि हम दोनों ने अलग से बुक बोट किया है।
जो कि चार्जेस बोट की 750 आपको ऑलरेडी बताया मैंने, तो अभी और भी बहुत मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा 100% आपको मैं बताता हूँ। और आप भी कभी इस तरफ आएँ तो ज़रूर ये व्यू, यहाँ घूमना कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग प्लेस है घूमने के लिए और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं। देखिए ये जो झरना दिख रहा है, ये नदी का पानी तमिलनाडु के बॉर्डर के जस्ट एंट्रेंस से पहले का वाटरफॉल है, जिसे ओगनाकॉल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ से लाइवली जाने के लिए, वीडियो में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी हद तक मैंने भी ट्राई किया अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, जिनको स्विमिंग आती है वो लोग स्विमिंग में करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्विमिंग का थोड़ा अलाउ नहीं, क्योंकि थोड़ी गहराई ज़्यादा है, इस वजह की वजह से वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। मोस्टली बोटिंग करना बहुत भी अच्छा है, ये बोट मतलब अंदर बैठ के सफ़र करोगे तो आपको एक मतलब अलग मज़ा आएगा। और ये लोग बोट में बैठ के राउंड राउंड भी बहुत बार घुमाते हैं, तो और भी बहुत मज़ा आता है।